सुधास किचन। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है ड्रैगन पनीर। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कटे हुए पनीर, कटे हुए बेल पेपर। ये मैंने 3 टाइप के लिए है, उसमें ग्रीन, येलो, रेड ऐसा मैंने लिया है। अगर आप कोई भी एक तो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, कॉर्नफ्लावर, कटा हुआ धनिया, कटे हुए ऑनियन, सेजवान सॉस, कटा हुआ गार्लिक, हॉट सॉस, टोमेटो केचप, काजू, सोया सॉस, विनीगर, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई ग्रीन मिर्च, ब्लैक पेपर, गार्लिक चटनी। ड्रैगन पनीर बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है, एक मैं बैटर बनाऊंगी, वो उसमें थोड़ा सा मैदा लूंगी, साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डालूंगी। और थोड़ा सा मैं उसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूंगी। उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब वो दोनों मिक्स हो जाए, बाद में मैं थोड़ा सा वाटर डालूंगी और उसका एक बैटर बनाऊंगी। अच्छी तरह बैटर मिक्स हो जाए, फिर बाद में उसमें मैं पनीर डाल के उसे डीप फ्राई करूंगी। अब हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब उसमें लम्स के ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अच्छी तरह मिक्स हुआ है। अब हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह गरम हो गया है। अभी उसमें मैं ये फ्राई कर दूंगी। अब हमारा जो पनीर है वो फ्राई होके रेडी है। अब हम एक पैन में तेल लेंगे और मैं उसे अच्छी तरह गरम होने दूंगी। अब हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब उसमें मैं थोड़े से लाल सूखे मिर्च डालूंगी, साथ में ये जो मैंने कटा हुआ गार्लिक है वो भी डालूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। और ये सब हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। साथ में उसमें थोड़े से काजू भी डालूंगी। ये सभी हाई फ्लेम पे ही हो रहा है। ऑनियन सॉफ्ट हो जाए, बाद में ये जो मैंने बेल पेपर काटे थे वो भी उसमें डाल दूंगी। आपको ज़्यादा चाहिए बेल पेपर तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसे भी हमें हाई फ्लेम पे ही चलाना है। अब उसमें मैं ये सेजवान सॉस है वो थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा हॉट सॉस है वो मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा।
थोड़ा सा टोमेटो केचप डालूंगी। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये जो गार्लिक की चटनी आती है वो थोड़ी सी डालूंगी, जरा सी, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। और थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, और थोड़ी सी शक्कर डालूंगी। साथ में 2-3 चम्मच सोया सॉस भी डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब उसमें जो कॉर्नफ्लावर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका मैंने बैटर बनाया वो उसमें अब डाल दूंगी। अब जो मैंने फ्राई किए हैं पनीर वो भी मैं डाल दूंगी। और उसे अच्छी तरह पानी थोड़ा सा डाल के ऐसे हिलाते रहना है। अब उसे हम हिलाते रहेंगे और थोड़ा सा फिर उसको हम ड्राई कर देंगे। फिर ठंडा होने के बाद वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब हमारा जो ड्रैगन पनीर है वो सर्व करने के लिए रेडी है। वो सर्व करने के लिए रेडी है और उसे मैंने सेसमी सीड से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।